नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मरूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने सैमसंग और दीगर मोबाइल फोन्स के मुकाबले में कम कीमत लेकिन जदीद फीचर से लैस आईफोन मुतारिफ करा दिया है, जो एप्पल की एसई सीरीज का नया वर्जन है। टेक्नोलॉजी बिलखसूस मोबाइल्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर और लैपटॉप की दुनिया में राज करने वाली कंपनी एप्पल ने अपने सार्फीन के लिए एक नए मोबाइल फ़ोन की रुनुमाई की है। इस मोबाइल की कीमत इंतहाई कम रखकर एप्पल ने अपने सार्फीन की फ़ोन महंगा होने की शिकायत दूर कर दी है। ये फ़ोन अप्रैल के आखिर से मार्केट में दस्तियाब होगा। एप्पल के इस नए मोबाइल का नाम आईफोन एसई है। इस सीरीज़ का पहला मोबाइल एप्पल ने 2018 में मुतारिफ कराया था, जिसे काफ़ी पसंदीदगी मिली थी। ताहम नया एसई फ़ोन उससे भी बेहतर और जदीद फीचर से लैस मोबाइल फ़ोन है। शक्ल में आईफोन 8 जैसा और फीचर के लिहाज से आईफोन 11 की तरह है। आईफोन एसई की स्क्रीन 4.7 इंच है, प्रोसेसर 11 प्रो है, जबकि वायरलेस चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है। ये सिंगल कैमरे वाला मोबाइल है, जिसकी रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल है। इस तरह सेल्फी कैमरे की रेजोल्यूशन 7 मेगापिक्सल है। कैमरे का मियार बेहतरीन है। ये 3 मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब होगा। एप्पल के इस नए फ़ोन की सबसे ख़ास बात इसकी कीमत भी आईफोन 8 और 11 के मुकाबले में कहीं कम है। अमेरिका में इसकी कीमत सिर्फ $399 होगी। मोबाइल मार्केट के माहिरीन का कहना है कि कम कीमत का आईफोन मुतारिफ करा के एप्पल ने सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियों के दरमियाने दर्जे की कीमत वाले फ़ोन्स को चैलेंज किया है। वादा रहे कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में मोबाइल फ़ोन की मांग में कमी के बावजूद मोबाइल फ़ोन कंपनियां नए मॉडल मुतारिफ करा रही हैं। इस हफ्ते में वन प्लस ने और गुज़श्ता माह चीनी कंपनी हवावे ने P40 रेंज के फ़ोन की रुनुमाई भी की थी। अब देखते हैं कि ये फ़ोन सार्फीन के मयार पर पूरा उतरता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।